से खबर आपको बता देते हैं, बिहार की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज। आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राजभवन में अब से थोड़ी ही देर में लगभग 11:30 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। महागठबंधन में मंत्री पद का हो चुका है बंटवारा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, तय हुए फॉर्मूले के अनुसार आरजेडी कोटे से 15 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 2 और जेडीयू कोटे से 12 मंत्री होंगे। बता दें कि निर्दलीय कोटे से भी 1 मंत्री बनाया जा सकता है। स्पीकर पद के लिए आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी की सहमति बनी है। बिहार की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी आदित्य पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी है? बिहार में महागठबंधन सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात करें तो बंटवारा हो चुका है क्या मंत्री पदों का? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे यसी कहीं ना कहीं जो है मंत्री पदों का जो है बंटवारा हो चुका है। और रात में ही जो है राजभवन से जो है तमाम जो विधायक जो मंत्री पद की कहीं ना कहीं शपथ लेंगे उन्हें जो है फोन किया गया है, तो 11:30 बजे जो है मंत्री पद की कहीं ना कहीं जो है राजभवन में शपथ ली जाएगी, जहाँ पे नीतीश कुमार के साथ जो है तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जो है जीतन राम मांझी भी जो है मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो है जदयू कोटे से लगभग जो है 11 मंत्री जो है विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, और आरजेडी की बात करें तो 16 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं मंत्री पद की शपथ लेंगे, और 2 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है जाती हुई दिख रही है। एक में हम और एक में जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय के सुमित कुमार जो है वो शपथ लेने वाले हैं। तो जो तमाम प्रक्रियाएं हैं राजभवन में वो जो है कुछ ही देर में जो है शपथ ली जाएगी, और आज शाम तक में ही जो है जो भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो है पदभार ग्रहण कर लेंगे, ऐसी सूचना मिली है। तो बताया जा रहा है कि 4 बजे जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है जाके मंत्री पद कहीं ना कहीं जो है ग्रहण करेंगे, और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो राजभवन में भी चल रही है। जी आदित्य, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्पीकर पद के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आरजेडी की बात कही जा रही है कि आरजेडी से यहाँ पर स्पीकर चुना जाएगा। जी निश्चित तौर पे ऐसी अवध बिहारी का नाम जो है वो आरजेडी से कहीं ना कहीं जो है क्लियर हो चुका है, और स्पीकर पद के ऊपर जो है आरजेडी से जो है अवध बिहारी जो है वो कहीं ना कहीं शपथ लेंगे। सिवान सदर से वो लोग लगातार जो है 6 बार विधायक रह चुके हैं और लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की खेमे की, तो कांग्रेस खेमे जो है बहुत ज्यादा जो है नाराज चल रहा है। कल पटना में भी जो है सदाकत आश्रम में जो है कांग्रेस विधायकों ने जो है आदित्य अभी ही सरकार बनी और अभी नाराजगी का दौर शुरू हो गया। जी निश्चित तौर पे देखिए, जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं सामने निकल के आया था उसमें जो है वहां के विधायकों ने आरोप लगाया था कि जब जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं और उसके ऊपर जो है 1 मंत्री कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, तो हमारे टोटल 19 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से 4 विधायक के फॉर्मूले को भी लेके चले तो कहीं ना कहीं हमें 5 मंत्री पद जो है वो मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो जो विधायक हैं उन्होंने जो है पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं भक्त चरण दास, उनके ऊपर भी जो है आरोप लगाया है कि आप जो है स्थिर होकर काम कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। इवन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है चिट्ठी तक इस मसले को लेकर लिखी गई है, और लगातार वो लोग जो है नाराज कर रहे हैं। कल सदाकत आश्रम में गाली गलौज तक जो है वो देखने को मिली है कांग्रेस के विधायकों को, जहाँ पे तमाम तरह के मीडिया अपडेट्स जो है वो सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आज कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए अगर हम यहाँ की बात करें जिस तरीके से आरजेडी कोटे से करीब 15 मंत्री बनाए जाएंगे, आरजेडी में चूंकि सबसे ज्यादा आरजेडी की ही सीटें थी, उसके बाद हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 12 मंत्री, कांग्रेस से सिर्फ 2, यही वजह है नाराजगी की? जी निश्चित तौर पे ये एक बड़ी वजह है कांग्रेस की नाराजगी की। मैंने आपको पहले भी बताया कि नाराजगी इतनी हद तक है जो कल सदाकत आश्रम में पार्टी के बहुत सारे वरिया नेताओं ने जो है वो कहीं ना कहीं शोरगुल भी किया है। इवन
जो सामने निकल के अपडेट्स आए हैं उसमें उन्होंने जो गाली गलौज करते हुए भी दिखे, कई तरह से ऐसे फुटेज मिले हैं जिसके आधार पे या आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है गाली गलौज जो है वहां पे किया है और महागठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर जो है आरोप लगाए हैं कि यह लोग जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, हमें कम से कम जो है 4 मंत्री के पद जो है मिलने चाहिए थे। इसके अलावा कहा जाए तो बिहार के जो अजीत शर्मा कहीं ना कहीं भागलपुर से विधायक है और मदन मोहन झा का नाम जो है वो मंत्री पद की लिस्ट में जो है सामने होता दिख रहा था, लेकिन उनके ऊपर भी जो है निर्णय कहीं ना कहीं नहीं बन पाई, तो इस वजहों से जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज चल रही है। और बात करी जाए जदयू की, तो जदयू देखिए जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो 11 मंत्री पहले से जो जदयू कोटे में थे वही जो है इस बार फिर से जो है वो शपथ लेंगे और नया नाम जो है कोई जो है जदयू की तरफ से देखने को नहीं मिला है। जो नए नाम है वो कहीं ना कहीं हम और इसके अलावे जो है आरजेडी से ही देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए आदित्य, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज ही इसी वजह से थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि इस बार अगर नई सत्ता परिवर्तन हुआ है, भले ही वो खुद मुख्यमंत्री है लेकिन वो अपने मंत्रियों को जगह जरूर देना चाहेंगे, वो इम्पोर्टेंस जो उनको वहां नहीं मिल रही थी वो इम्पोर्टेंस जरूर वो यहां पर पाना चाहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस कोटे से 2, जेडीयू से करीब 11 मंत्री आपको बता दें कि मंत्री बन सकते हैं।